पर है। डीएम और एसपी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया तो बड़ी खबर आपको बता रहे जालौन से, जहां यमुना और पहुंच नदी उफान पर। डीएम और एसपी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। नदी किनारे बसे लोगों को गांव खाली करने के निर्देश, आपदा जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद। तो यमुना और सहायक नदी किस तरीके से उफान पर, यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। डीएम और एसपी मौके पर हालात का जायजा ले रहे हैं। वहीं नदी किनारे बसे लोगों को गांव खाली करने के निर्देश प्रशासन की तरफ से, आपदा जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर मौजूद। राजस्थान के कोटा बैराज से छोड़े गए पानी के चलते औरैया में यमुना ने विकराल रूप धारण कर लिया है। लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण यमुना अब खतरे के निशान पर पहुंच गई है। यमुना नदी का जलस्तर 113 मीटर चेतावनी बिंदु का निशान पार कर लिया। इससे यमुना नदी किनारे बसे गांव के लोगों में दहशत है। कई गांव के संपर्क मार्ग डूब गए हैं, नाव के सहारे आवागमन हो रहा है। डीएम और एसपी ने यमुना किनारे बसे गांव का दौरा किया। आपदाग्रस्त इलाकों में खाने पीने का सामान उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीमें भी मौके पर मौजूद हैं। गांव की स्थिति ये है कि ये अस्था है, तो अभी जानकारी प्रशासन कल्लई से यहां पर लगा और अभी लंच पैकेट की व्यवस्था कराई, जिससे एक एक घरों में जो 10 लोग हैं तो 10 लोगों के घर में एक एक लंच पैकेट दिया जा रहा है। और सरकार इसमें बल पूरी तरीके से मतलब सक्रिय है और हम लोगों को जैसी जानकारी मिली तो हम लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं। और आसपास गांव के पानी भरा है, अभी गांव के अंदर नहीं पहुँचा है, लेकिन व्यवस्था कर दी गई है। कल हम और डॉक्टर साहब किया था मौके पर, और वहाँ पर्याप्त नाव की व्यवस्था कर दी गई थी, क्योंकि गांव में किसी के घर में अभी पानी नहीं गया है। वहाँ उनको लंच पैकेट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मेडिकल टीम वहाँ मेडिकल चेकअप के लिए गई है, पशु चिकित्सा अधिकारी की टीम भी है, पुलिस की पूरी टीम वहाँ है। बस्ती में सरयू नदी के कटान से लोगों में दहशत है। मईपुर मथुरावा में कटान से लोग दहशत में हैं। जिस तरीके से नदी ने कटान किया है, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सरयू नदी के कटान की जम में एक मकान आया, नदी में मकान के गिरने का वीडियो वायरल हो रहा है। तो हर साल ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती है। नदी किनारे कई मकान नदी की जद में, तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सरयू नदी के कटान की जद में एक मकान आया, किस तरीके से ये मकान पानी में समा गया, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नदी में मकान के गिरने का वीडियो वायरल हो रहा है। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, जलभराव को लेकर नाराज दिखे विधायक। प्राधिकरण और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को फटका, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये कहना विधायक का। जेवर विधायक का वीडियो वायरल। तो ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, जलभराव को लेकर नाराज दिखे जेवर विधायक। प्राधिकरण और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को उन्होंने फटकार लगाई। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये कहना है जेवर विधायक का। तो बड़ी खबर, तो जेवर विधायक का वीडियो वायरल। नोएडा में ट्रैफिक से निजात दिलाने